एकदम एक नंबर का माल रखी है भाई, एक नंबर का। अरे रे रे रे। अप्पू छोड़ दिया। अरे रे 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 रे। रात को घर के बाहर क्या करेगी? माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या सजा मिली है मुझे? तुमसे प्यार करने की, पर दुनिया की कोई भी सजा प्यार को कम नहीं कर सकती। मैं तुम चलो, चलो मेरे साथ आराम से। आप इसे गेस्ट रूम में ले जाइए, इसे फर्स्ट एड की जरूरत है। तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, जो चाहिए वो तुम दोगी नहीं। वरदान, थैंक यू मुझे अपने घर में रखने के लिए। We'll be right back.
अब तूफान आया है तो चीजें तो टूटेंगी। माँ मुझे माफ कर देना, मैंने मेरी ओपू को दीदी भाई की अमानत को खो दिया। अब सही कहती थी, ये बदले की आग किसी ना किसी दिन मेरे और ओपू के रिश्ते को ही खाक कर देगी, और वही हुआ। माँ मैं ओपू के प्यार को समझ सकती हूँ, उसके दर्द को भी समझ सकती हूँ, वो क्यों नहीं समझ सकती है कि जिस किसी दिन किसी को भी ये सच पता चलेगा तो उसका प्यार, हमारा बदला, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पता नहीं कौन सा खेल रचने जा रही है वो लड़की वहां। हाँ ये सब अभी हुआ हमारे घर के सामने, एंड आई होप आप उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। वरदान आई एम सॉरी, पर अप्पू के साथ जो भी हो रहा था वो अच्छा हुआ आप उसे घर ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। बट मैं उससे कल बात करूंगा कि हम भी कल बात करें। ओके लगा था कि आप हमारी शादी का और अपनी पत्नी का मान जरूर रखेंगे, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये मेरे पास ही ठीक है। Three, 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 three
डरिए मत काकी, क्या हुआ? मैं ही तो हूँ आपकी अप्पू, मित्तल मैंशन की नई मेहमान। काकी, काकी, आपके प्यारे भाइयों को आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ओह, सॉरी, मैं तो भूल ही गई, वो आपको छोड़कर थोड़ी ना गए, उन्हें तो मैंने भेज दिया ऊपर। क्या हुआ, चिल्लाना चाहती हैं? चिल्लाइए। बस बहुत हुआ ये खेल, अब तुम्हें मरना होगा नंदिता मित्तल। पर उससे पहले मैं तुम्हारा बेटा छीनूंगी तुमसे, जैसे तुमने छीना था मुझसे मेरी मां को। तो हिसाब बराबर। आपके आशीर्वाद से काकी। अरे काकी, लगता है मैंने आपको डरा दिया। डरिए मत, क्योंकि जब तक आप मलय के सामने अपने सारे गुनाह कबूल नहीं करती, तब तक मैं आपको कैसे मार सकती? और उसके बाद तब तक मैं आपसे रोज मिलने आऊंगी काकी। आपका नहीं, अपना दिल बहला। गुड नाइट काकी। अच्छा हुआ मुझे तुम मिल गए वरदान, मेरा एक काम कर दोगी प्लीज? ओपू को ये बैग देना है। हाय गॉड, दीदी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वरदान प्लीज, इसमें बस साबुन है, उससे स्किन की बीमारी है,
अगर वो इससे नहीं नहाएगी तो उसे बहुत बुरी तरह से स्किन एलर्जी हो जाएगी। एक माँ की बात मान लो प्लीज। वाह, तो आपको याद आ ही गया कि आप एक माँ हैं। क्या देखने आई हैं यहाँ? क्या आपकी बेटी जिंदा है या मर गई? वाले वो तुम जीने मरने की बात ना ही करो तो अच्छा है। मेरी बेटी की जिंदगी को मौत से भी बदतर तुम्ही ने बनाया है। बेटी, आपने अप्पू को बेटी कहने का हक तभी खो दिया था जब आपने उसे घर से निकाला था और रात को सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया था। वो उसका पागलपन उतारने के लिए था। और जो आपने किया था, क्या वो पागलपन नहीं था? मनोज यहां क्या कर रही है? मैंने ओपू को घर से नहीं, तुम्हें ओपू की जिंदगी से बाहर निकालना चाहा। एक शादीशुदा आदमी के साथ प्यार करके उसे क्या मिलेगा? मुझे एक बुरी माँ कहने से पहले अपने आप को देखो। तुमने क्या किया? उसे अपने घर में बिठा दिया। अपने आप से पूछो, तुम एक बुरे पति हो, तुम एक बुरे पति हो या एक बुरे प्रेम, या एक बुरे प्रेम? एक लड़की को गुंडों से बचाने में क्या गलत? मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। वाह मलय, तुम में इंसानियत अब भी बाकी है। अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि ये सारा किया धरा तुम्ही का है। आज से ओपू की जिम्मेदारी तुम्हारी। उसके साथ अब जो कुछ भी होगा उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे मलय। मैं भी देखना चाहती हूं कैसे निभाते हो तुम इंसानियत। गुड लक। दिमाग खराब हो गया है? तो अप्पू को घर ले आया है? दीदी की हालत का अच्छा फायदा उठा रहे हो तुम। आप और मां जिम्मेदार हो इन सबके। ये सब जो भी हो रहा है आप दोनों की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे घर में? घर का बच्चा ही घर को नर्क बनाने में तुला हुआ है। दीदी, आप यहां से चलिए, वरना ये सब देखकर आपकी हालत और खराब हो जाएगी।
कैसी बीमारी है अप्पू को जो किसी और को नजर ही नहीं आती। वो भी है पर सारी नींद